चलो चलो। अरे एक नंबर। Trekking is the most amazing thing we can do. Rougher the road, harder the climb, more we get lost, dirtier the trail, we are surely going to discover a part of us we never knew exists. So hi everyone. अभी हम जा रहे हैं कोरीगट। बहुत टाइम बाद पुणे में लॉकडाउन का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम हो गया है, तो हमने सोचा कि कहीं नियर बाय एक पुणे एक्सप्लोर किया जाए। तो पुणे मानसून में बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो हम अभी कोरीगट ट्रैक करने वाले हैं और यस आपको भी दिखाते हैं कि कैसी रही हमारी जर्नी और हम कहाँ कहाँ गए। तो स्टे ट्यून्ड। एक्चुअली कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे कि ये टाइगर पॉइंट है, लायंस पॉइंट है। हर टाइम में देखती हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि जो टूरिस्ट जगह है, जो प्लेसेस है, वहाँ पे इतना सारा कचरा। जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच की बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स। बुरा लगता है यार। अभी हम हैं कोराई माता मंदिर के यहाँ पे। यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से हम हमारा ट्रिप स्टार्ट करेंगे और वहाँ हमें जाना है कोरीगट। एंड ऑफ कोर्स मैं अकेली नहीं आई हूँ, तो मेरे साथ मेरी टीम है, नेहा मेरी छोटी बहन, दैट्स साइली, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी देखा है, एंड केतन
वैभव को भी आप शायद जानते होंगे, और हाँ वो हमेशा हमारी फोन वाला बंदा जो हमेशा गायब रहता है, बट हाँ हर टाइम वो रहता है हमारे ही साथ, बट हमेशा फोन पे ही होता है। सो हाँ आशीष है, काय नाव आहे तिचं? भारती। भारती, भारती हमारी जर्नी कोरीगट ट्रेक। बारिश की वजह से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म स्लिपरी है, बी केयरफुल अगर आप मानसून में अगर यहाँ पे प्लान कर रहे हो। इतनी अच्छी स्टिक मेरे लिए, थैंक यू। ज्यादा तो ये स्टिक है, मैं स्टिक नहीं, मुझे संभालना चाहिए, बट ऐसे लग रही थी नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे पीछे एक साइन बोर्ड था, लिखा था कोरीगढ़ किला कड़े, मतलब कोरीगढ़ फोर्ट की तरफ, तो मतलब आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे। चलो फाइनली हमें स्टेयरकेस दिख गई है जहाँ से फोर्ट का रास्ता चल रहा था। कोराईगढ़, कोआरी, कोआरी, कोरीगढ़, किले कोरीगढ़। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितने काउंट्स हो गए स्टेप्स के, पानी भी नहीं दिख रहा है, और आई डोंट नो व्हाई, लुक्स प्रीटी क्लीन। ब्रेक, ओके, तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं हम। साइली यहाँ पे कितने स्टेप्स होंगी? 1,00,000 होंगे। 1,00,000? कितने स्टेप्स है? 2,000? 2,000 स्टेप्स, ओके। हे स्टेप्स मतलब 1 किलोमीटर ओनली? नो, हाँ 1.5, यार राइट। विश्रांति का समय हो गया आपके? चलो कुछ बोलना है फिर मुंह में आ गए। जस्ट वाओ, और यहाँ पे एक गणेश मंदिर भी है, इट्स रिटन गुप्त गुहा, हिडन 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 हिडन। ओह जस्ट वाओ,
ये आएगी इस एम्बे वैली का व्यू है। हाँ, ये एम्बे वैली का ही व्यू है। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। और इस समय हमने एक्चुअली ब्रेक लिया है और स्पेशल लोनावाला चिक्की हम बिंच कर रहे हैं। और दिस व्यू, स्टेयर से जो पानी गिर रहा है ना, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। एक छोटा सा केव दिखा है हमें, एक्चुअली छोटी सी दिखती है। चलो देखते हैं क्या है। पानी, पानी क्लियर है ना, कैसा है? अरे चलो फाइनली। तो फाइनली हम गणेश दरवाजा की तरफ पहुंच गए। तो ऐसी एंट्रेंस है, जैसे हम देख पा रहे हैं ये बीच वाला पैच जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रहा है। शायद वो गिर गया होगा तो इन्होंने रिनोवेट किया है। हमें ऑलमोस्ट एक घंटा लगा ऊपर जाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतना अमेजिंग व्यू था ऊपर, ठंडी हवा, क्लाउडी वेदर, मानो कि एक ट्रीट सा हमारे लिए था वहाँ। और अभी हम टॉप पे पहुंच गए, टॉप ऑफ द फोर्ट। यहाँ एक दो स्टॉल्स भी हैं तो हमें जो भी मतलब स्नैक्स, भजी, मैगी, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। और यहाँ पे एक महादेव मंदिर है, शंकर भगवान जी का मंदिर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। का तिकड़े ना, ओके। हाँ 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 हाँ, दिसलं दिसलं। तुम्ही रोज येतात का? किती वाजता येतात तुम्ही? और मंदिर के यहाँ मेरी मुलाकात हुई वहाँ के लोकल पर्सन से। इतना डिवोटेड है यहाँ के लोग कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सब मंदिरों की देखभाल करते हैं।
ये देख के तो मैं हैरान हो गई थी। अभी एक्चुअली हम थोड़ा ड्रोन से सिनेमैटिक शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग किया जाए। कहा जाता है कि ये फोर्ट पावरफुल सम्राटों के अधीन रह चुका है और आगे चलकर मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने अधीन किया। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मॉनसून में आए, कोरीगढ़ आपको कभी भी एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट प्लेस है। हर टाइम ये प्लेस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, बट मॉनसून में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। कोरीगढ़ आपको कई मायनों में खास लगेगा, एक तो ब्यूटी ऑफ नेचर और दूसरा इसका इतिहास। और ये हमारा कोरीगढ़ ट्रैक खत्म। जो रूट से हमने बिगिन किया था वही एक्चुअली एंड रूट है।
तो वही रास्ते से हमें रिटर्न जर्नी करना पड़ता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।